हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन ऑटोमोटिव। आज आपके सामने ये BYD बिल्ड योर ओन ड्रीम नाम से जो कंपनी अभी फिलहाल ज़्यादा फेमस हो रही है उसके गाड़ियों के सुपीरियर डिज़ाइन के लिए वो आपके सामने खड़ी है। ये गाड़ी हमारे पास स्पेशली जो काम के लिए आई है वो रहने वाला है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का एप्लीकेशन। गाड़ी का कंसेप्ट वाइज डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है, इंटीरियर्स भी बहुत लाजवाब दिखते हैं गाड़ी के। अर्मिंडा जो हमारा पर्सनल ब्रांड है उसका हम लोग PPF इसके ऊपर करने वाले। ये गाड़ी जब भी प्लांट ने लिया था उसके दूसरे दिन ही लेफ्ट साइड के बम्पर से घिस गया था। Hey, what happened? हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन ऑटोमोटिव। आज आपके सामने ये BYD बिल्ड योर ओन ड्रीम नाम से जो कंपनी अभी फिलहाल ज़्यादा फेमस हो रही है उसके गाड़ियों के सुपीरियर डिज़ाइन के लिए वो आपके सामने खड़ी है। ये गाड़ी हमारे पास स्पेशली जो काम के लिए आई है वो रहने वाला है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का एप्लीकेशन। गाड़ी का कंसेप्ट वाइज डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है, इंटीरियर्स भी बहुत लाजवाब दिखते हैं गाड़ी के। मैं आपको उसका भी एक पूरा रिव्यू का वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा, बट ये वीडियो में पहले मैं आपको PPF के बारे में बताऊंगा। क्लाइंट का स्टोरी क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कुछ भी यूजुअली आदमी खरीदता है उनका रनिंग काफ़ी रहता है, तो ये गाड़ी का भी रनिंग काफ़ी रहने वाला है। कलर भी ग्रे वाइट के दोनों के शेड में आता है तो एकदम प्रीमियम कलर भी है इसका, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और डेली जो कुछ भी कंटामिनेशन रहेगा, स्टोन चिपिंग रहेगा, उससे बचने के लिए क्लाइंट ने PPF करने का डिसीजन जो है फाइनल किया हुआ है। 5 ईयर्स वारंटी वाला हम लोग अर्मिंडा जो हमारा पर्सनल ब्रांड है उसका हम लोग PPF इसके ऊपर करने वाले। ये गाड़ी जब भी प्लांट ने लिया था उसके दूसरे दिन ही लेफ्ट साइड के बम्पर से घिस गया था। वो कंसर्न ध्यान में रखते हुए प्लांट ने उसके तीसरे दिन ही हमारे पास गाड़ी भेज दिया। अभी हम लोग पहले वो गाड़ी को जो है बम्पर जो जहां से घिसा हुआ है उसको पेंट करेक्ट करेंगे। पेंट करेक्ट करने के बाद गाड़ी के ऊपर हम लोग सेरामिक कोट का एप्लीकेशन करेंगे। सेरामिक कोट लगाने के बाद हम लोग गाड़ी के ऊपर PPF का एप्लीकेशन करेंगे। क्लाइंट के साथ हमारा बातचीत चल रहा है सन कंट्रोल फिल्म के बारे में भी, जैसे ही वो कन्फर्म हो जाएगा तो उसका भी हम लोग ये गाड़ी के ऊपर एप्लीकेशन करने वाले। गाड़ी नया है, काम करने में मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि इसके डोर्स वगैरह जो है काफ़ी इलेक्ट्रिकल है तो उसके ऊपर भी खोलना फिटिंग करना टास्क रहने वाला है। तो मैं वीडियो पूरा दिखाऊंगा आपको, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, गाड़ी के आफ्टर शॉट भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
फाइनली हमारा ये गाड़ी के ऊपर काम करके हो चुका है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, फ्रंट जो लेफ्ट साइड का पोर्शन था बम्पर का, उसके ऊपर हल्का सा डैमेज था, तो उसको हम लोगों ने पेंट करेक्शन में पूरा हटा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर डिटेलिंग करके सेरामिक का एप्लीकेशन किया। सेरामिक करने का मेन रीज़न था जो गाड़ी का शाइन है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। उस शाइन को हम लोग PPF से ब्लॉक कर देते हैं तो वो एक एडवांटेज मिल जाता है। उसी के साथ जब भी हम लोग PPF निकालते हैं तभी गम छूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। PPF निकालने में भी सेरामिक लगाने की वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने 5 ईयर्स वारंटी वाले गाड़ी के ऊपर PPF किया हुआ है। अब इसके हर एक पोर्शन के ऊपर एजेस चेक कर सकते हो, कहीं पे भी हम लोगों ने कटिंग के निशान नहीं रखे, पूरे जितने हम लोग कर सकते थे उतना अच्छे से टकिंग कर दिया। मैं आपको गाड़ी का 360 पूरा व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा नज़दीक आ जाना। अब यहाँ पे देख सकते हो यूजुअली लोग जो ये फेंडर लाइन पे कट कर देते हैं, हम लोगों ने अच्छे से ये अंदर से पूरा टक कर दिया है। बोनेट भी बहुत सारे लोग जो है एज से पूरा कट कर देते हैं, हम लोगों ने बोनेट खोल के उसको अच्छे से अंदर टकिंग कर दिया है। वेयर इन ये फेंडर जो है इसका, उसको भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस में किया हुआ है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था ये मिरर करना, थोड़ा नज़दीक आ जाना, क्योंकि यहाँ पे ये NFC का जो टैग है उसके वजह से यहाँ पे एयर बबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। बट हम लोगों ने उसको अच्छे सेटल करके हल्का सा बबल रह गया है, वो हम लोग और हीट करेंगे और नेचुरल हीट में जब भी वो गाड़ी ड्राई होगा तभी वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। उसी के साथ हम लोगों ने गाड़ी में ऑल ओवर 94% इंफ्रारेड लाइट कंट्रोल का फिल्म जो है वो अप्लाई किया हुआ है, जिसका विजिबिलिटी 70% है। आप उसका विजिबिलिटी चेक कर सकते हो, अब यहाँ से भी देख सकते हो पूरा जो है विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। ये फिल्म लगाने की वजह से ड्राइवर का जो विजन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि रात को जब भी हम लोग ड्राइव करते हैं अपर डिपर के सामने से आते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसी के साथ जब भी हम लोग दोपहर को ड्राइव करते हैं धूप की वजह से जो आँखों के ऊपर स्ट्रेन आता है ना, वो भी ये फिल्म लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तीसरी चीज़, हम लोगों ने गाड़ी का टेललाइट्स वगैरह पूरे खोल दिए थे, बल्कि हम लोगों ने हैंडल्स जो है वो नहीं खोले, क्योंकि हैंडल्स निकालते टाइम वारंटी अवॉइड हो सकता था। हम लोगों ने कंपनी में बात किया तो उन लोगों ने हमें रेकमेंड किया कि यार हैंडल मत खोला करो। तो ये गाड़ी में वैसे भी एक एडवांटेज था, इधर उन लोगों ने आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगाया था तो इसके हैंडल के अंदर एक कट आता है, तो वो कट के ऊपर ऐसे भी वो एक्सेसरी लग गया, तो उसकी वजह से वो कट भी नेग्लिजिबल है, कुछ दिखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं कि हैंडल कभी खोला गया था या नहीं खोला गया था। ओवरऑल आप गाड़ी के ऊपर चेक कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहेगा कि गाड़ी के ऊपर PPF हुआ है। वही एक स्पेशलिटी रहती है जब भी हम लोग अच्छे से ध्यान देके गाड़ी के ऊपर PPF जब अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी रहेगी, आपके भी गाड़ी का रनिंग डेली बेसिस पर रहेगा, तो PPF इज दी ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। हमारा पर्सनल ब्रांड है अर्मिंडा के नाम से, जिसका ट्रेडमार्क हम लोग रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया है, विच इज़ एज गुड एज अदर कंपेटिटर ब्रांड्स, तो वो हम लोग आपको हमारे गारंटी के साथ हम लोग आपको ऑफर करते हैं विद बेस्ट प्राइसिंग। अगर आपको भी आपकी गाड़ी के ऊपर ऐसा कुछ काम करवाना रहेगा तो आप हमारे पास ज़रूर आ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।